ये देखो दोस्तों, एक दो तीन, तीन तीन कॉल एक साथ हमला करेंगे लिटिल सिंघम के ऊपर। अरे दादा ये क्या हो गया भाई, ग्रैनी ने तीन तीन कॉलों को बुला लिया। अरे दादा मुसीबत हो गई। अरे कीको, अरे सुन भाई मुसीबत हो गई। अरे दादा मुसीबत खतरनाक ही वाली हो गई। एक दो तीन तीन काल, मैं तो सोचा एक काल होगा गाइस, तीन तीन काल हमला करने वाले हैं हमारे पे। अरे कीको शिनचैन, अरे कहाँ पे हो तुम लोग, जल्दी सुनो मेरी बात को। अरे कीको सुन। अरे आज की पार्टी मेरी तरफ से, नाचो। आज मेरे गाइस बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। वो भाई साहब लिटिल सिंघम भैया, क्या डांस कर दिया आपने। ओ भाई क्या डांस कर रहे हैं भाई लिटिल सिंघम भैया। हो इनको देखो भाई, ये एकदम स्टाइलिश वाला डांस कर रहे हैं ब्लू लिटिल सिंघम भैया। तो एक और बार ये, ओ भाई खतरनाक डांस कर दिया। और पीछे वाले लिटिल सिंघम भैया तो खतरनाक डांस कर रहे हैं। गाइस तुम्हें पता है आज किसकी पार्टी है, चलो मैं तुम्हें अभी, अरे हाँ ब्लैक लिटिल सिंघम भैया बोलो, क्या बोल रहे हो, अरे चिल्लाते हुए आ रहे हो, क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई। अरे कीको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, चल मैं तेरे को बताऊं भाई। एक काल नहीं, दो काल, अरे नहीं तीन तीन काल हम पे हमला करने वाले हैं। अरे कीको जल्दी आ, शिनचैन को भी लेके आ जा। चलो गाइस मैं जल्दी से बताता हूँ। गाइस ये पता नहीं वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो कीको काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, मगर मैं उधर बताऊं तो कैसे बताऊं भाई, तीन तीन काल हम पे हमला करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो लिटिल सिंघम भैया। अरे सुनो, अरे भाई कोई पार्टी वार्टी नहीं है, अरे बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अरे सुनो जल्दी सुनो, कोई पार्टी नहीं है। अरे यार मस्ती करना बंद करो यार, प्लीज मस्ती करना बंद करो भाई। अरे कीको भैया हुआ क्या है, अभी लिटिल सिंघम भैया आए थे एंड उसके बाद आप काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गए एंड हम सब लोगों का डांस भी बंद करा दिया। अरे यार पार्टी कर ले दो ना भाई, आज आपका बहुत अच्छा दिन है। अरे नहीं शिनचैन नहीं, मेरे पीछे आओ, जल्दी आओ, सभी बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। एक नहीं दो नहीं तीन तीन काल हम पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। फटाफट गाइस जरा एक बार जाके देखते हैं, ग्रैनी कुछ ना कुछ प्लान बना रही होगी। मैं पहले जल्दी से जाके लिटिल सिंघम भैया से बात करता हूँ। आ रहा हूँ लिटिल सिंघम भैया, आ रहा हूँ, दो मिनट रुको बस। ये देखो दोस्तों, एक दो तीन, तीन तीन कॉल एक साथ हमला करेंगे लिटिल सिंघम के ऊपर। अरे बाबा सारी तैयारी कर ली ना। ओए कॉल लिटिल सिंघम, कीको, ग्रैनी, शिनचैन, शिवा, सभी के ऊपर एक साथ हमला कर देंगे। कलरफुल ग्रैनी तैयार हो जाओ। गाइस हमने जादुई तरीके से कॉल को जिंदा कर लिया है एंड ये देखो भाई इतना खतरनाक और इतना सुंदर है ये कॉल, इसकी ताकत भी बहुत खतरनाक है। अरे तुम देखोगे तो शॉक हो जाओगे। ये रहा लिटिल सिंघम का ढेंचा और ये रहा कीको का ढेंचा। ढेंचा मतलब कि अरे बड़ा सा राक्षस, पता नहीं है क्या तुम्हें। अरे तुम यार एकदम गंवार हो सही में। अब हम जा रहे हैं हमला करने सभी के सभी गैंग ऑफ गैंग के ऊपर। पानी के अंदर गिर गई, चलो बच गई मैं। आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलो चलते हैं हमला करने। हाँ तो भाई साहब तुम लोग सभी के सभी तैयार हो ना, क्योंकि व्हाइट ग्रैनी आने वाली है, बस हम जाने वाले हैं लिटिल सिंघम के घर पे। दोस्तों ये देखो मैं तुम्हें क्या इनको क्या क्या सिखा रही हूँ। देखो लिटिल सिंघम जब हमको पीटेंगे तो हमें भागना पड़ेगा ना, तो देखो ब्लू ग्रैनी कुछ इस तरह से भागेगी। देखो कैसे भाग रही है ब्लू ग्रैनी। भाई मुझे ब्लू ग्रैनी के भागने का तरीका कितना मस्त लग रहा। भाई येलो ग्रैनी भी देखो कितनी शानदार तरीके से भाग रही है। वो भाई पिंक ग्रैनी के तो अलग ही मजे हैं भाई, अलग ही नखरे हैं। ये देखो कैसे भाग रही है भाई। बस अभी मैं इनको कहूंगी रेडी गेट सेट। अरे हाँ ग्रीन ग्रैनी व्हाइट ग्रैनी बोलो क्या बोल रही हो। अभी रुको तुम प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि भाई लिटिल सिंघम हमको पीटेगा तो हमें भागना तो पड़ेगा ही ना। हाँ भाई व्हाइट ग्रैनी चले अपन हमला करने के लिए, चले क्या। अरे हाँ चलो जल्दी चलो। और हाँ जल्दी सभी से अपनी गैंग को लीडर्स को बुला लो, फटाफट अपन को जल्दी चलना है हमला करने के लिए। कहीं वो कुछ तैयारी व्यारी करने लग गए फिर मुसीबत हो जाएगी भाई, फिर अपन नहीं मार पाएंगे। जरा एक बार मैं देख तो लूं ये कर क्या रहे हैं। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है ये लोग कर तो कुछ नहीं रहे होंगे, एक बार फटाफट से जाके देख के आ जाती हूँ मैं। और लिटिल सिंघम भाई क्या कर रहे हैं, लगता है कुछ भी नहीं कर रहे। गाइस ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, इनका तो चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे भाई सही कह रहे थे कि लिटिल सिंघम भैया तो तीन तीन काल हमला करने वाले हैं। अरे लिटिल सिंघम भैया चलो भाई चलो जल्दी चलो, अपन को जल्दी से चलना है ग्रैनी के ऊपर हमला करने के लिए। गाइस ग्रैनी हमको पीटने आया है, उससे पहले हम पीट देंगे ग्रैनी को।
मतलब एकदम बुरी शानदार तरीके से। लिटिल सिंघम भैया चलो चलो जल्दी चलो। एंड गाइस लिटिल सिंघम भैया के साथ में मैं शिनचैन को भी ले जाऊंगा और साथ में कीको और शिवा एंड कलरफुल लिटिल सिंघम को भी लेके जाऊंगा। भाई इनको डांस करना मैंने सिखाया है ना, कितना मस्त डांस करते हैं ये। चलो गाइस अब हम सभी जा रहे हैं ग्रैनी के घर पे। एंड गाइस मेरा तो सबसे बड़ा और मेन सपना है कि कैसे भी करके ग्रैनी को पीट दूं एक बार। तो भाई हर बार हमेशा बच के भाग जाती है, तुमने ये तो देखा ही है ना, इतनी बुरी तरीके से भागती है। शिनचैन बैठ जा गाड़ी के अंदर, ठीक है। चलो गाइस अभी हम चल दिए हैं ग्रैनी के घर पे हमला करने के लिए। तीन तीन काल एक साथ आ रहे हैं, उनको तीनों को एक साथ पीट देंगे क्योंकि हम पूरी लिटिल सिंघम की सेना को लेके जा रहे हैं हमला करने के लिए। अड़ जाओ सामने से, अड़ जाओ भाई, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शिनचैन भी रेडी हो चुका है। एंड हाँ जायंट कीको और जायंट शिवा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया, बाय मिस्टेक हो गया भाई, आ जाओ प्लीज। अरे दोस्तों का बहुत बड़ी मिस्टेक है कोई। एंड यार तुम्हें पता है क्या, ग्रैनी हमेशा आज पीटेंगे, मजा आएगा। गाइस तुम बताओ और क्या करना चाहिए ग्रैनी के साथ में, ग्रैनी को पीटने के अलावा और क्या कर सकता है। अरे लिटिल सिंघम तुम दूर वापस से आ जाना, ठीक है ना, मैं जल्दी से जाता हूँ अभी। एंड यार गाइस मुझे क्या लगता है कि ग्रैनी को पीटने के साथ साथ तुझे सजा दे सकते हैं भाई, उसे सजा देंगे कि लाइक पूरे स्कूल के अंदर तुम्हें बिना। ये तो मुसीबत हो गई, रास्ता ही रोक रखा है। चलो जल्दी से चलते हैं अंदर, कोई बात नहीं। एंड हम आ चुके हैं अंदर, ये लो छुप करके रहेंगे गाइस, अभी तक तो किसी को भी नहीं पता। आ जाओ कलरफुल गैंग लीडर्स, आ जाओ। ये रही सी ग्रैनी यहीं पे ही है, यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे आके छुप जाओ फटाफट। ग्रीन ग्रैनी ठीक है ना, मेरी सेना को लेके आ जाना, मैं जा रही हूँ लिटिल सिंघम के घर के ऊपर हमला करने के लिए। गाइस अब चलो जल्दी से चलते हैं। एंड हाँ इन जायंट काल को भी लेकर के चलेंगे। काल आज तो तुम जानते हो हम इतना बुरी तरीके से पीटने वाले हैं ना लिटिल सिंघम को, लेकिन नानी याद आ जाएगी। गाइस और एक और काम कर देती हूँ, साथ के साथ एक साथ दो काम। भाई लिटिल सिंघम ने हमने हमारे कपड़े चुरा लिए थे ना, अब देखो गाइस अब मैं उसके भी कपड़े चुरा के आ जाऊंगी। मतलब गाइस बदला तो लेना बनता है, तुम जानते ही हो आजकल लिटिल सिंघम यार बहुत हमारी परेशानियों को समझ ही नहीं रहे, साला कभी भी पीट पाट के चले जाता है। और ये आ गए हैं हम लिटिल सिंघम के घर पे। गाइस मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। गाइस अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है इसका मतलब तो हम लकी है, आज पूरे घर को लूटने का मौका मिल गया हमें फ्री पॉकेट का। क्या बात है भाई, इस मौके को तो फायदा उठाना चाहिए। ओए लिटिल सिंघम के कपड़े कहाँ पे है, नीचे होंगे, वो नीचे तो सोता है, नीचे होंगे, चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। अरे छोकरो मेरी बात सुनो, अब ग्रैनी गई है, पता नहीं कहाँ पे गई है, शायद बॉम्ब लेने गई होगी। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इन बड़े बड़े जायंट काल को मारने का, और बहुत अच्छा मौका है। अकेली है वो ग्रीन ग्रैनी, उसको अभी पीट देते हैं अपन और बड़ी आसानी से बच करके यहाँ से भाग जाएंगे। जायंट काल को बेचारे को यूं ही पीट देंगे पता भी नहीं पड़ेगा। और हाँ कीको और काल तुम सुनो जल्दी से, लिटिल सिंघम तुम सुनो, आसपास में जाके देखो कि आखिर यहाँ पे गई कहाँ। और ये क्या चक्कर है भाई, हमारा एक काल कहाँ गया, अरे अभी अभी तो यहीं पे था यार, अभी इतनी सी देर में चले गया। ये तो मुसीबत हो गई गाइस, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे काल गायब भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कहीं हमारे वहां पे काल तो नहीं चले गया। अरे ये भाई मुसीबत हो गई है, जायंट लिटिल सिंघम जायंट काल की लड़ाई होने लगी है भाई। ग्रैनी ने लगता है वहां पे काल को बुला लिया दिखता है, मुसीबत हो गई। उस हमारे लिटिल सिंघम को चलाने वाला तो कोई भी नहीं है, बच गए मर गए। अरे नहीं नहीं नहीं, जल्दी से ग्रैनी को फोन कर देता हूँ। हेलो, अरे ग्रैनी, हेलो ग्रैनी, अगर तूने हमारे जायंट लिटिल सिंघम को मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर पे ही हूँ, सीधा का सीधा तुम्हारे दोनों कालों को मार दूंगा, समझ में आ गई ना। अरे एक बात बता, तू हमारे घर पे पहुँचा कैसे और मेरे कालों के ऊपर कैसे पहुँचा, जा ये तो बता। गाइस कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कैसे मुझे तो लगता है कि झूठ ही बोल रहा होगा। मगर भाई एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ जरा, अगर चेक करके पता चल गया कि ये भाई झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये पक्का झूठ बोल रहा हो और मैं इधर लिटिल सिंघम को मार दूंगी। अरे ग्रैनी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तू चाहे तो जाके देख ले, ये देख काल के सर के ऊपर मैं बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना, देख लेना इन 3 2 और ये देख हो गए ना बॉम्ब ब्लास्ट, तुझे पता भी नहीं पड़ा होगा इतनी तेज धमाका करवाया है मैंने, बॉम्ब ब्लास्ट दिख गया क्या तेरे को। अरे हाँ बाबा हाँ, वो रहा लिटिल सिंघम, देखो दिख गया मेरे को लिटिल सिंघम। भाई साहब कहाँ पे ऊपर छप के बैठा है भाई, ये
हमारे काल के ऊपर। भाई ये कहीं हमारे काल को मारना तो नहीं चाहता। अरे यार एक मुसीबत हो गई, मैंने कलरफुल ग्रीन ग्रैनी को वहाँ पे छोड़ा था रक्षा करने के लिए, और वो देखो पता नहीं क्या कर रही है। ओए जाइंट लिटिल सिंगम, तुम मेरी बात सुन भाई, तुम्हारे लिटिल सिंगम को बोलना यार ये वहाँ से भग जाए। देख ग्रैनी मैं तुझे बता देता हूँ, मैं लिटिल सिंगम के साथ में तेरे मारी ग्रैनी को भी किडनैप कर रखा है। ये देख ग्रीन ग्रैनी यही तो है ना, सालों को भी पीट देती हूँ। ये लो भाई ग्रैनी के पीट दिया मैंने, और अब पावर एक्ट इसको, ये लो एक और बार मार दिया मैंने, खेल खत्म। भाई देख लिटिल सिंगम, अगर तूने हमारे दोस्त को मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे घर को भी जला दूंगी। ये देखो गाइस चारों तरफ आग लगा देती हूँ मैं, क्योंकि लिटिल सिंगम ने मेरी ग्रैनियों को मारने की कोशिश करी है। साल की जात जान ले लेनी है भाई, परेशान कर देना उसको। हमारे दोस्त को मारने की कोशिश भी कैसे कर सकता है वो, फटाफट फटाफट जिसका घर चला देता है। लिटिल सिंगम सोच ले, अगर तूने अभी मारने की कोशिश करी तो मैं तेरे पूरे घर को ब्लास्ट कर दूंगी। देख मुझे भी गुस्सा आ रहा है, देख ले सोच ले तेरे को करना है कि नहीं करना। चल भाई चल। ओए कहा सुन मेरी बात सुन, जल्दी से तेरे ऊपर आ जाती हूँ मैं, और तू देखता रहना, मुझे बताना करना क्या है मुझे, ठीक है। ये क्या कर दिया तूने, मेरे घर को ब्लास्ट करने की कोशिश कर दी। ओ भाई साहब ये कुछ ज्यादा कर दिया ग्रैनी, तूने ज्यादा कर दिया। अभी मैं गाइस पूरे इसके पूरे घर को ब्लास्ट करने की कोशिश करती हूँ, रुक जाओ। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई भाई, रुको। सबसे पहले तो इसके घर के दरवाजे को जला दो, ठीक है, आगे से कोई दूसरी ग्रैनी नहीं आ पाएगी। उसके बाद उस घर के दरवाजे, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे कलरफुल ग्रैनी दिखी थी ना, आ गई। ये रही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रुक जाओ, डांस करना बंद करो। डांस भी तो देखो गाइस कैसे कर रही थी है। अब लो अब करो डांस, अब जलने वाला डांस कर रही है गाइस सभी की सभी ग्रैनियां। करो करो जलने वाला डांस करोगी अब तुम, बस बहुत बढ़िया। गाइस मैंने चारों तरफ आग लगा दी है, बस अच्छी बात यह है कि मैं इस जाइंट काल को भी मार सकता हूँ। मारू क्या, अरे अभी देखो ये अटैक करने वाला हूँ मैं, अभी इसके ऊपर धमाकेदार काला काला अटैक। ये किया मैंने ताकतवर वाला हमला और गया काल नीचे। चलो भाई काल बाय बाय। फाइनली गाइस काल तो जा चुका है, काल ने, हमने काल को पहले ही मार दिया था। अब अच्छी बात यह कि हम अब डायरेक्ट सीधा उस वाले काल को मारेंगे। तो येलो मैं जल्दी से आता हूँ इसके ऊपर, एंड अब यहाँ पे से तैयारी करता हूँ इसको मारने की। ओ भाई ये एक सेकेंड, ये ग्रैनी ये यहाँ क्या कर रही है, चलो इनको पीटो भाई फटाफट फटाफट पीटो, भाग के ना जा पाई ये कोई भाग के नहीं जानी चाहिए यहाँ से। भाग के चली गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी कोई मुसीबत हो जाएगी। रुक जा इधर आ। ये अटैक, ये ले भाई ये ले, खेल खत्म। गाइस लगता है खेल तो तब खत्म होगा जब मैं इनको अच्छे से मार पाऊंगा, एंड साथ में हमारे काल को भी मार, भाग के कंधा रही है भी, काल को भी मार पाऊंगा। ये देखो भाग के जाने की कोशिश कर रही है। गाइस पीटो इस तरह से कि कोई उठ ना पाए, और ऐसे रुला दो दोनों लोगों को कि कोई सो भी ना पाए। ये लो भाई फिनिश, वो देखो वो भाग के जा रही है ना, उस पे येलो भाई अटैक। अब देखो अब मैं इस जॉइंट काल को फिनिश करने वाला हूँ, इन 3 2 एंड ये किया हमला। चलो बाय बाय काल बाय। फाइनली गाइस हमने इस काल को फिनिश कर दिया। ओए रुक जा, अरे ये कहाँ गया मैं, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, जल्दी से ऊपर चलना पड़ेगा फटाफट फटाफट। चलो आ गए हैं हम ऊपर, फाइनली हमने काल को भी मार दिया। अब जल्दी से जाता हूँ, देखते हैं ग्रैनी को हम कैसे बचा सकते हैं। भाई हमारे ब्लैक लिटिल सिंगम को हमें बचाना है जल्दी से, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी भाई, जल्दी जाना पड़ेगा फटाफट फटाफट। चलो एक लिटिल सिंगम क्विक क्विक काम तो मैंने करना बंद कर दिया है, मैं मेरी गाड़ी के साथ में तुम्हारी गाड़ियों को भी जला दूंगी, ताकि मैं किसी भी गाड़ी से बदला ले सकूं। फटाफट फटाफट जला देती हूँ, ये लो भाई फटाफट फटाफट इसकी गाड़ी को फेंका और ये उठा करके फेंक दिया भाई। चलो क्या खतरनाक तरीके से फेंका है, वो देखो भाई बोरी लिटिल सिंगम की गाड़ी, वो देखो भाई नीचे गिर रही है। फाइनली ये पीटा पटका नीचे जमीन के अंदर, पटका तो गाइस शानदार है मैंने। अब जल्दी से मैं इन सभी गाड़ियों को जला देता हूँ, एंड उसके बाद में इस ब्लैक लिटिल सिंगम को भी मारते हैं। अभी देखो मारेंगे चिंता मत करो गाइस, ये उठा के लात की ये पड़ी खिंचा करके। ये कहाँ गया मैं, ये कहाँ क्या गाइस, जादुई तरीके से आ गया मैं तो नीचे, पता नहीं यार ये कहाँ क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो कहीं बहुत बहुत नहीं बन गया, आ गया वापस आ गया। चलो गाइस अब चलो जल्दी से, ब्लैक लिटिल सिंगम को तो हमने मार दिया है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, काल को लेके यहाँ से उड़ जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट, अब्बा शब्बा। चलो अब जल्दी से जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि भाई मेरे को इम्पोर्टेंट भी तो काम करने है ना, सभी के सभी कलरफुल ग्रैनी को भी पीटना है। एंड ये क्या भाई, ये क्या यहाँ पे लिटिल सिंगम क्या कर रहे हैं। ओए रुक जा लिटिल सिंगम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
इनको कितनी बार समझाया तुम यहाँ पे चलो मेरे घर पे आके मेरे घर पे हमला मत किया करो तुम लोग, इनको ब्लास्ट कर देते हो फटाफट फटाफट। लो 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 ये कहाँ जाएगा, लो लो लाइन सेवा आ रही है तुम्हारे को हमला करने के लिए, ये कटा।